लॉन्ग टर्म के लिहाज से मझगांव डॉक का स्ट्रक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। इनफैक्ट अप्रैल में ही लगभग अराउंड 660-665 के जोन पे हमने इसे आइडेंटिफाई किया था, और वहाँ से ऑलमोस्ट एक 12 से 15% की अपमूव ट्रिगर हुई है। बट जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, एक अच्छे करेक्टिव फॉर्मेशन के बाद एक अच्छा बेस बन चुका था 620 के आसपास। एंड मंथली चार्ट पे अगर हम देखें तो वहाँ पर वापस एक राइजिंग थ्री फॉर्मेशन है। तो इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है 800-820 तक तो ये मोमेंटम कंटिन्यूड होगा, बट पोजिशनली 1040 के लक्ष्य के लिए मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। एंड जिस तरीके से फिलहाल इसने एक एलिवेटेड बेस बनाया है, मुझे लग रहा है 680 का स्टॉप लॉस लिया जा सकता है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, एंड खरीदारी की जा सकती है मझगांव डॉक में अभी भी इसी पर्टिकुलर लेवल पर 1040 के टारगेट के लिए। ओके, तो यह है आपके लिए मसगांव डॉक, जहाँ पर रखनी है आपको नज़र। एक्शन में ये भी आ सकता है, तो डिफेंस से जुड़े स्टॉक्स हैं, अभी बीएल की बात करी सुमित जी ने, और मसगांव डॉक भी एक्शन में आ रहा है। जबरदस्त सेक्शन में, और ये तो हमारा ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक है। मजा आ गया टारगेट सुन के, 4 डिजिट वाला टारगेट पहली बार ही आया है इसमें जो सचिन जी की तरफ से 1000 के ऊपर का।